तो अब 68वीं बीपीएससी में क्या लगता है आपको, सब कुछ सही होगा कि या उसमें भी सिलेक्ट? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि सही हो, अगर कहीं गलत होगा तो फिर हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। आरसीपी सिंह के खास आदमी अमरेंद्र कुमार जो अभी परीक्षा नियंत्रक है, उनको हटाया जाना चाहिए सबसे पहले। और ये वसूली करते हैं, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। 50 क्वेश्चन टफ पूछने की बात थी, उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, उसके लिए अलग से मार्किंग हुआ, तो उसका हम लोगों ने विरोध किया, जिसपे उन्होंने सहमति जताई है। मेंस में एक समान व्यवहार सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा और 68वीं पीटी परीक्षा पे भी वो विचार करेंगे कि आगे डेट बढ़े। छात्रों से हम यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, एकदम ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, और जहाँ कोई आपके साथ अन्याय होगा हम आपके हक के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे। ये सीसीटीवी कैमरा रहेगा, उसका डिस्प्ले बाहर रहेगा। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। दिलीप जी अभी बीपीएससी ऑफिस गए थे और क्या बातचीत हुई अंदर में वो जानते हैं। क्या बात हुई भाई दिलीप भाई? देखिए, बात यही हुई कि जो 50 क्वेश्चन टफ पूछने की बात थी, उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, उसके लिए अलग से मार्किंग हुआ, तो उसका हम लोगों ने विरोध किया, जिसपे उन्होंने सहमति जताई है कि हम इस पर विचार करेंगे और छात्रों से भी राय लेंगे। और वीडियो रिकॉर्डिंग इंटरव्यू का होगा और मेंस में एक समान व्यवहार सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा और 68वीं पीटी परीक्षा पे भी वो विचार करेंगे कि आगे डेट बढ़े। 67वीं बीपीएससी में जिस तरह से देखिए, इस तरह इतना बड़ा धांधली हुआ, उसके बाद जो है पेपर जो है पूरा वायरल हो गया और अभी 68वीं बीपीएससी होने वाली है और उसमें इस तरह की बातचीत हो रही है, छात्रों को क्या कहना चाहते हैं? छात्रों से हम यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, एकदम ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, और जहाँ कोई आपके साथ अन्याय होगा हम आपके हक के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे। कहा जाता है कि बीपीएससी ऑफिस में भी अभी बहुत सारे ऐसे अफसर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले बीपीएससी में और उससे पहले के जो बीपीएससी जिसमें करप्ट हुए थे और जो धांधली हुई थी उसमें उन लोगों की भी संलिप्तता थी, इस पर आपका क्या विचार है? लेकिन निश्चित रूप से बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग हैं इसमें संलिप्त। परीक्षा नियंत्रक पे जांच होनी चाहिए सबसे पहले, और भी जो कर्मचारी है उन पे जांच होनी चाहिए। जैसे आपने आरसीपी सिंह के कोई सहयोगी थे? अमरेंद्र कुमार, आरसीपी सिंह के खास आदमी अमरेंद्र कुमार जो अभी परीक्षा नियंत्रक है, उनको हटाया जाना चाहिए सबसे पहले। एक दो और अधिकारी है, उनको हटाया जाना चाहिए। अमरेंद्र कुमार को क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि आरसीपी सिंह के आदमी है और ये वसूली करते हैं, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। इनके बारे में बहुत सारी शिकायतें आई हैं छात्रों के तरफ से, बहुत जगह से भी। प्रश्न ये भी उठता है कि दिलीप जी को कैसे ये सब पता चल जाता है? हमें पता चलता है ना, हमें बताया जाता है छात्रों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा, बड़े अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है। बड़े अधिकारियों के द्वारा? बिल्कुल। तो अब 68वीं बीपीएससी में क्या लगता है आपको, सब कुछ सही होगा कि या उसमें भी? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि सही हो, अगर कहीं गलत होगा तो फिर हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। अच्छा, बायोमेट्रिक के बारे में क्या बातचीत चल रही है जो अंदर में बीपीएससी का बायोमेट्रिक जो पूरा सिस्टम? वो स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा, स्मार्ट लॉक रहेगा, उसमें सारा ओएमआर सीट ये सब रहेगा। अच्छा। और उसका बाहर से विजिटिंग होगा, ये सीसीटीवी कैमरा रहेगा, उसका डिस्प्ले बाहर रहेगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो दिलीप जी जो हैं अभी जो है तबियत से गुजर रहे हैं, इनका तबियत उतना ठीक नहीं है और बीपीएससी ऑफिस जो गए थे ये दवाई लेकर के गए थे, आप देख सकते हैं आपके सामने में ही है ये सारा दवाई है और दवाई के साथ साथ एक साथ इतना सारा चिट्ठा है जिसमें बीपीएससी का जो कागजात है वो है और इतना एक साथ देखिए यहाँ से टैबलेट है, तो कौन क्या चीज़ हो गया जो अंदर में यही दवाई लेकर के पहुँच? नहीं नहीं, अभी मेरा इलाज चल रहा है कान का, वो सही नहीं हुआ, कल ही MRI कराया, आज डॉक्टर से भी दिखाना था MRI का रिपोर्ट लेके, लेकिन हम नहीं जा पाए, अभी बीपीएससी ऑफिस चले आए। हमको लगा बीपीएससी के ऑफिसर सबको कुछ दवाई खिलाने के लिए जा रहे हैं, ये लोगों का कुछ मेंटल जो है हालत सही हो जाए। नहीं, मेरी हालत खराब है, कान का इलाज चल रहा है। कान का इलाज चल रहा है, तो इस हालात में भी आप लोगों के लिए और छात्रों के लिए आवाज उठा? लड़ना पड़ता है, चूंकि बिहार का कोई नेता है नहीं जो छात्रों के हित के लिए लड़े, तो हम लोग को लड़ना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। कई बार जो है जो दिलीप जी जो है छात्रों के लिए लाठी खाए हैं, पूरे बीपीएससी पिछले बीपीएससी में इस तरह से आपको पीटा गया, पुलिस घसीट करके ले जाया गया, लेकिन क्या कहना चाहते हैं इस पर आपका? देखिए, अब वो पुलिस जो करती है, सरकार जो करती है, हमारा इतना है कि हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, बाकी जिसको जो करना है करे, हम डरने वाले नहीं है। 68वीं बीपीएससी में ये फीस के मांग करके भी लेकर के आप बातचीत कर रहे थे? नहीं, 68वीं का डेट का था, पीटी का डेट का, कि मेंस से थोड़ा आगे वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उस पर रिकॉर्डिंग क्यों? क्योंकि धांधली होती है उसमें, किसी को 2 मिनट में बाहर कर दिया जाता है, किसी को 3 मिनट में बाहर कर दिया जाता है, जो पैसा देता है उसको 15 मिनट रख के ज्यादा मार्क्स दिया जाता है। क्या फायदा होगा बच्चों को? उससे पता चलेगा कि क्या सवाल पूछा गया, कैसा बिहेव हुआ है। अच्छा। इसलिए ऐसा किया जा रहा। ये दिलीप जी हैं जो छात्र नेता हैं और अभी जो है ये बीपीएससी ऑफिस अंदर गए थे और 68वीं बीपीएससी में जो भी बदलाव हुए उस पर बातचीत कर रहे थे और अंदर में बातचीत करके अभी आए हैं और मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या हुआ और छात्रों को क्या फ़ायदा मिलेगा, छात्रों को इससे क्या सुविधा मिलेगा। यही वो दिलीप जी हैं जो 67वीं बीपीएससी को उजागर किए, उस पर जो भी धांधली हुई थी उस पर इतना मुखर होकर के बातचीत किए कि जितना भी चीज़ था वो पर्दाफाश हो गया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में ये बिहार लोक सेवा आयोग का गेट है और इसी अंदर में अभी गए थे दिलीप जी और आकर के जो भी कुछ कहा आपने सुना। बाकी देखते रहिए, मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।